जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की जो ये फीस स्ट्रक्चर है मिशन यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे, तो इसमें आप लोगों का है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की फ़ीस होती है उसमें दो कोर्स होते हैं, एक बीए ऑनर्स होता है और एक बीए होता है। तो जो बीए की ऑनर्स की पर सेमेस्टर फ़ी होती है वो 9,080 रुपीज़ होती है, और एडमिशन के टाइम पे आपको 10,080 रुपीज़ देना होता है। इसमें से जो 1,000 होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, और जो बीए की नॉर्मल फ़ी है वो 3,777 यानी कि 3,777 रुपये होती है सब्जेक्ट फ़ी। ज्योतिर्विज्ञान का आपको यहाँ पे पड़ेगा 2,000 रुपये। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में TTM बोलते हैं, इसका पर सब्जेक्ट फ़ी है 4,000। एंड ज्योग्राफी 4,000 हो गया इसका भी। होम साइंस 4,000 एंड फिजिकल एजुकेशन 5,000। फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंक्लूड्स इनरोलमेंट फ़ी ऑफ 1,000, लेबोरेटरी फ़ी एट ऑफ 1,000 पर सब्जेक्ट पर एनुअम विल बी चार्ज वेर एवर एप्लीकेबल सब्जेक्ट फ़ी एज एप्लीकेबल। ओरिएंट संस्कृत कोर्स जो आपका शास्त्री हो गया इसमें, तो उसका आपका पड़ता है 1,674। और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, जैसे कि बीकॉम की बात करें तो बीकॉम रेगुलर जो होता है उसकी पर सेमेस्टर 4,277 मतलब कि 4,277 रुपये होती है इसकी फ़ी, और जो एडमिशन के टाइम पे आपको 5,277 देनी होती है। जो सेल्फ फाइनेंस बीकॉम का होता है वो 16,080 रुपीज़ एंड एडमिशन के टाइम पे आपको 17,080 रुपीज़ देना होता है। बीकॉम ऑनर्स जो हो गया उसमें आपको 28,580 रुपीज़ देना होता है। फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंक्लूडेड, तो जो आपकी इनरोलमेंट फ़ी होती है वो 1,000 हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फैकल्टी ऑफ लॉ LLB की बात की जाए तो LLB का जो 5 ईयर वाला प्रोग्राम है उसकी आपकी फ़ी पड़ेगी 25,580 रुपये, जो एडमिशन के टाइम पे आपको 26,580 देनी होती है। अंडर ग्रेजुएट फ़ी स्ट्रक्चर, जैसे कि फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की जाए तो इसमें कुछ सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ी स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैथमेटिक्स ग्रुप होता है इसमें, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है अगर आपका, तो आपको इसका सेम ही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो गया, फिज़िक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी हो गया, फिज़िक्स मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सबका 4,277 रुपीज़ पड़ता है। और सेल्फ फाइनेंस में हाँ थोड़ी ज़्यादा फीस हो जाती है, जैसे कि आपका फिज़िक्स मैथमेटिक्स एंड CS है तो उसका पर सेमेस्टर 13,580 रुपीज़ पड़ जाता है। BSc बायोलॉजी ग्रुप केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी ऊपर, और जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी बॉटनी एंथ्रो जियोलॉजी जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स जेनोमिक्स केमिस्ट्री एंड बॉटनी, तो इन सब का जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो 4,277 ही पड़ने वाला है। और BCA वगैरह की बात की जाए तो BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलते हैं जिसे, तो उसकी फ़ी आपकी पड़ेगी 35,080 रुपीज़ यानी कि 35,080 रुपये पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर यानी कि 6 महीने में आपको 35,080 रुपये देना होता है। और अंडर ग्रेजुएट फी प्रोग्राम, ये सब आपका फ़ी स्ट्रक्चर है कि कैसे आपकी कितनी फ़ीस कटती है किस चीज़ में, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा, बाकी सब मैंने बता ही दिया है।